जी हाँ, आज डीजे वाला गाना भी बजेगा और वो भी डीजे वाले स्पीकर में, क्योंकि सबको बेस्ट पसंद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं भार्गव ब्लॉग्स एंड रिव्यूज़। तो दोस्तों, अगर आप एक टावर स्पीकर खरीदने वाले हैं, नहीं तो अगर एक होम थिएटर खरीदने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको डाउट है कि आपको होम थिएटर लेना है या टावर स्पीकर लेना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक टावर स्पीकर लीजिए ऐसा वाला, क्योंकि जो होम थिएटर है वो पुराना ज़माने का बात हो गया है और उसमें बहुत सारे वायर्स होते हैं, उसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जो टावर स्पीकर होते हैं ऐसा वाला, बहुत कम जगह लेता है, उसमें कोई वायर नहीं होता है, लेकिन साउंड क्वालिटी होम थिएटर से भी अच्छा होता है। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, और कंपनी का नाम है ट्रोनिका और इस मॉडल का नाम है रिदम। ये एक वैल्यू फॉर मनी टावर स्पीकर है जो फुल्ली लोडेड है। इसमें सभी कुछ फीचर्स है जो आपको चाहिए, जैसे कि हो गया ये ब्लूटूथ टावर स्पीकर है, साथ ही इसमें USB है, आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, FM है, ऑक्स पोर्ट है, माइक पोर्ट है, और साथ में आपको एक माइक भी मिल रहा है फ्री। वैसे जो नॉर्मली जो टावर स्पीकर्स होते हैं उनमें आपको माइक का इनपुट मिलेगा, लेकिन आपको साथ में माइक नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको एक माइक भी मिल रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं इस टावर स्पीकर का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, आपको मैं गाना बजा के सुनाने वाला हूँ, सभी कुछ आपको इसमें मैं बताने वाला हूँ, और आखिर में आपको पता चल जाएगा कि आपको ये लेना है कि नहीं। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो जो मैंने कुछ हफ्ते पहले किया था। तो ये रहा बॉक्स, और बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है मल्टीमीडिया डीजे टावर स्पीकर सिस्टम। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है ट्रोनिका, साइड में लिखा है संगीत सीरीज, नीचे प्रोडक्ट का फोटो है, एकदम नीचे फीचर्स वगैरह लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है जो है रिदम। तो चलिए इस बॉक्स को खोलते हैं। तो ये रहा फ्री माइक, उसके बाद ये हो गया इसका रिमोट, ये ऑक्स केबल और यूजर मैनुअल, और अभी निकलने वाला है मेन प्रोडक्ट डीजे टावर स्पीकर। काफ़ी अच्छे से पैक होके आया है, इसको भी अनपैकिंग करना होगा। उसके बाद ये हो गया माइक का कोड, तो अभी चलिए करते हैं अनपैकिंग। तो ये देखिए मेन प्रोडक्ट ट्रोनिका रिदम ब्लूटूथ स्पीकर। इसके साथ आपको एक माइक मिलेगा, ऑक्स केबल मिलेगा, ये रहा यूजर मैनुअल और एक रिमोट। तो ये देखिए ट्रोनिका का रिदम टावर स्पीकर, और इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश पे है, बहुत ही स्पोर्टी लुक आ रहा है, मतलब एक झलक में ही ये आपको पसंद हो जाएगा। तो ये हो गया सामने का हिस्सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं USB पॉइंट है, आप यहाँ पे पेन ड्राइव लगा सकते हैं, उसके बाद नीचे हो गया माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, यहाँ पे आप कोई भी पुराना वाला माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, ये हो गया ऑक्स इनपुट, यहाँ पे आप ऐसा वाला ऑक्स केबल लगा सकते हैं, ये साथ में नहीं मिलेगा, ये आप बाहर से 20-30 रुपया में खरीद सकते हैं। तो उसके बाद ये हो गया वॉल्यूम कंट्रोल्स, यहाँ पे हो गया FM का स्कैन, ये वॉल्यूम प्लस, ये हो गया मोड, यहाँ से आप ब्लूटूथ ऑक्स FM माइक वगैरह चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे एक LCD मिल जाता है जहाँ पे आपको दिखा रहा है ये FM का स्टेशन दिखा रहा है, साथ में आपको यहाँ पे म्यूजिक ट्रैक वगैरह नंबर वगैरह दिखाएगा। उसके नीचे दो स्पीकर है 4-4 इंच का, और एकदम नीचे यहाँ पे एयर वेंट है। तो अभी साइड में देखते हैं, साइड में इसका वॉल्यूम बेस और ट्रिबल कंट्रोल्स है, ये हो गया वॉल्यूम कंट्रोल, ये हो गया बेस, ये ट्रिबल कंट्रोल। उसके नीचे ये हो गया 6 इंच का सबवूफर, इसमें से जो आउटपुट मिलेगा वो है 90 वाट का, और इससे बहुत ही अच्छा बेस आता है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। उसके बाद देखते हैं पीछे क्या है, पीछे यहाँ पे ऑक्स एंड माइक का इनपुट है, ये जो ऑक्स केबल साथ में मिला था वो आप लगा सकते हैं, और ये वाला आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे, TV पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद ये वाला हो गया माइक इनपुट, यहाँ पे जो माइक दिया हुआ था वो यहाँ पे लगाना है ऐसे, और उसके बाद आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं। और ये जो वायर है ये FM का एंटेना है, आपको खरीदने के बाद यहाँ पे पील करना पड़ेगा सामने वाला हिस्सा, तो FM का साउंड अच्छा आएगा। तो उसके बाद नीचे यहाँ पे हो गया ऑफ ऑन का स्विच है। तो चलिए अभी जो इसका रिमोट है उसको देख लेते हैं, इसमें सभी जरूरत का फंक्शंस है, तो आप दूर से ही कंट्रोल कर सकते हैं, ये अच्छा बात है। तो ये हो गया रिमोट,
और अगर वजन का बात किया जाए तो ये एकदम भारी है, बहुत ही भारी है ये, और भारी होना चाहिए मतलब इसमें क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, इसमें सभी कुछ है और अच्छा क्वालिटी का है इसीलिए बहुत ही हैवी है। बिल्ड क्वालिटी देखिए कितना अच्छा है। ये एक बहुत ही पावरफुल ब्लूटूथ स्पीकर है, इसका वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा होने के साथ साथ इसमें बेस भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपको बेस ज्यादा पसंद है तो आप ये ले सकते हैं। आप इसको एज ए पार्टी स्पीकर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको हाई क्वालिटी साउंड मिलेगा, वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, बेस भी ज्यादा मिलेगा और साथ ही इसमें सभी इंस्ट्रूमेंट्स का आवाज आपको क्रिस्टल क्लियर सुनाई देगा। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो देखने में तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन सिर्फ देखने में अच्छा होने से नहीं होगा, इसका साउंड क्वालिटी कैसा है वो भी तो जरूरी है। तो चलिए इसमें गाना बजा के देखते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि ये कैसा है प्रोडक्ट। तो चलिए बजाते हैं गाना। मैं यहाँ पे एक पेन ड्राइव लगाने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ गाने हैं। Play by USB drive. तो ये मैंने पेन ड्राइव से बजाया था, अभी बजाएंगे FM. FM Tinder. तो वो था FM. तो अभी बजाएंगे ब्लूटूथ से। इसका जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको कैमरा में इतना पता नहीं चल रहा है और साथ ही मैं 5 सेकंड से ज्यादा प्ले नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाएगा। तो अभी मैं आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक बजा के सुनाने वाला हूँ यूट्यूब से। तो इसको ऑन करूंगा। तो ब्लूटूथ मोड में है, अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो कनेक्ट हो गया है, तो अभी बजाएंगे कुछ यूट्यूब से गाने। तो आपने सुना इसका आवाज कितना बढ़िया है, मतलब पार्टी के लिए ये तो परफेक्ट है और इतना कम दाम में इतना अच्छा वाला स्पीकर आपको नहीं मिलेगा। और इसमें इक्वलाइजर भी है, वो आपको रिमोट में मिलेगा। देखिए ये वाला है इक्वलाइजर, इसको दबा के आप अलग अलग मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे कि तो ये एक बहुत ही अच्छा पावरफुल टावर स्पीकर है। उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे देखिए एक पेपर में लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये पेपर में लगा दिया है, तो अभी गाना को बजाएंगे और आप देखिएगा क्या होता है। तो अभी मैं बजाने वाला हूँ गाना। तो
इसी से पता चलता है कितना बेस्ट है। तो और ज्यादा आपको रिसर्च करने का जरूरत नहीं है, इसको ऑर्डर कीजिए। मैं तो इसको लेके बहुत खुश हूँ। और अगर आपको डाउट है कि इसमें वारंटी वगैरह मिलेगा कि नहीं, तो इसमें आपको 3 महीने का गारंटी मिलने वाला है। और अगर खरीदने के 9 महीने के अंदर कुछ भी खराब होता है तो ये कंपनी फ्री में स्पेयर पार्ट्स आपके घर तक भेज देगा। क्या ऐसा कोई करता है? नहीं ना, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यह सब लिखा हुआ है उनके यूजर मैनुअल पे, और साथ ही उनका कस्टमर केयर नंबर भी आपको यूजर मैनुअल में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। तो अभी आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कैसा वाला टावर स्पीकर लेना है। मैं तो आपको रिकमेंड यही करता हूँ। और अगर आपको ये खरीदना है तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप ले सकते हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस तरह का यूजफुल प्रोडक्ट्स का रिव्यूज करता रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं एक दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।